नमस्कार जी, मैं परमजीत सिंह काला भाई, सतगुरु डेयरी फार्म, गांव 1900 तहसील श्री कर्णपुर, जिला गंगानगर। अपना गांव है जो ये गैट सिंहपुर के बिल्कुल पास है। और आज आपको जो वीडियो दिखाई गई है, ये गाय साहब हमारे से, जो भाई साहब मेरे पास बैठे हैं श्री महिंदर जी, ये पाटन से आए हैं। इन्होंने आज 9 गाय ली है और 2 दिन में आराम से हमने घूम के, बहुत बढ़िया गाय आपने देखी होगी, बहुत बढ़िया गाय इन्होंने सेलेक्ट की है और बिल्कुल वाजिब दाम में। और जैसा कि आज आपको ये गाय दिखाई है, सब बड़ी गाय है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम बढ़िया गाय हर आदमी को दिलाएंगे तो ये वो दोबारा आएगा। जैसा कि ये भाई साहब के पास में ही अभी गाय हमारी गई थी, तो उन्होंने हमारा रेफरेंस दिया कि भाई साहब काला भाई के पास जाओ, सतगुरु डेयरी फार्म में आपके साथ कोई बेईमानी नहीं होगी और आपको बढ़िया अच्छे ढंग से वो गाय दिलाएंगे। और वैसे ही हमने गाय इनको सेलेक्ट करवाई और ये भाई साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से शांत स्वभाव से गाय ली। हमारा तो हर कोशिश यही होती है कि आपके बढ़िया गाय जाएगी, हम जल्दबाजी कभी भी नहीं करते कि 2 घंटे में आपको गाय लेके और लोड करवा दें, मतलब ऐसा हमारा काम नहीं रहता। हमारा यही होता है कि जोड़ने वाली बात होती है। हर इंटरव्यू हम बताते हैं कि हर कार मतलब ग्राहक को जोड़ने वाली बात होती है कि बढ़िया गाय दिलाएंगे तो ही आगे वो बढ़ेगा। और भाई साहब महिंदर से मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि आप पहली बार बाहर आए तो आपने ये गाय जो ली, आपको जो बिल्कुल वाजिब दाम है उसी में लगी, या हमारा को आपको ऐसा लगा कि थोड़ा ऊंची हो रही है, या कोई ऐसा तो नहीं लगा कि गाय में थोड़ा मतलब ज्यादा रेट हम दे रहे हैं, या अपना जो माहौल है वो कैसा लगा? नहीं, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। हाँ जी, दर्शकों को नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह राजपूत पाटन से बोल रहा हूँ और यहाँ गंगानगर आके इनका रेफरेंस से नाम मिला था मेरे को और मैं डायरेक्ट आया था क्योंकि परमजीत नाम के बहुत सारे फर्जी भी चलते हैं नाम, तो आप पहली बार तो वो सोच करिए कि सतगुरु डेयरी फार्म में ही जाना चाहिए आपको। और यहाँ आके हमने 3 दिन घूमे, इनकी मेहमान गति भी बहुत अच्छी लगी हमको, खाना पीना सब रहना बहुत ही ये ठंड थी फिर भी उन्होंने सब मैनेज किया था हमारे लिए। और यहाँ पे आके हमने 3 दिन घूम के अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली गाय ली हमने। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी दे दो और चले जाएंगे, गुजरात में चले जाएंगे तो कहाँ आने वाले, पर बहुत रेफरेंस और रिलेशनशिप बना के फिर इन्होंने दिया कि भाई नेक्स्ट टाइम भी ये आए तो अपना नाम लेके आए। और मैं सबको कहना चाहूंगा कि भाई जो भी आए तो पहले वो सतगुरु डेयरी फार्म में एक बार जरूर आए, क्योंकि आपको क्वालिटी वाली गाय लेनी है तो यहाँ पर ही आना पड़ेगा, ऐसा है। और ये महेंद्र भाई जी का कहना था, मैं ये बोलना नहीं चाहता था लेकिन आप इन्होंने बोल दिया तो मैं कह रहा था कि मेरे नाम से मतलब अपने को भगवान से डर के बोलते हैं कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है, इज्जत दी है, वो सिर्फ जो इज्जत दी है वो सिर्फ जो अपने ग्राहक हैं उन्हीं की वजह से मिली है और आदमी कुछ भी नहीं कर सकता अगर ऊपर वाला चाहे। ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत हमारे को इतनी इज्जत दी है कि हमारा थोड़ा बहुत उधर नाम है गुजरात के अंदर, इस वजह से जो इधर वाले दलाल हैं वो अपने को नकली नाम दे रहे हैं कि परमजीत सिंह काला भाई मैं हूँ और मेरे घर आप आ जाओ, मैं बढ़िया गाय दिलाऊंगा। तो ऐसा भी इनके साथ हुआ एक्सपीरियंस और इन्होंने वहां नहीं गए और इनको उन्होंने बहुत कम रेट बोला, मतलब आजकल का सिस्टम ये है कि कम रेट में बुला के 45 की 50 की गाय बड़ी बड़ी दिखाई। तो पहले भी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि लोग ऐसे फंसाते हैं, लेकिन उन्होंने पहले दिन घूम के आराम से ठंडे दिमाग से इनको मैंने दिखाई गाय, उनके पसंद आई। और मेरे पास जो लाल जी भाई हैं, ये आप थोड़ा बहुत आप भी बताओ कि कैसे लगा पहली बार आए। नहीं, बहुत अच्छी गाय है और रेट में भी सस्ती है, अच्छी गाय। ठीक है, और महेंद्र जी के लिए अभी थोड़ी इन्होंने गाय और भी लेनी थी तो इनको थोड़ा जो साथ में इनके साथी हैं वो भी कहने लगे कि यार एक एक दो हमने भी लेनी है, तो 2 गाड़ी का इनका सिस्टम हुआ नहीं और एक गाड़ी के अंदर 2-2 करके इन्होंने डाली। अभी मेरे को कह रहे हैं कि अगले चक्रे हम जरूर आएंगे और बढ़िया गाय, बहुत मतलब इनको खुशी हुई यहाँ आके। और हर ग्राहक को हम यही कहते हैं कि आपके मनपसंद रेट में आपको गाय मिलेगी, कभी भी हमारी जबरदस्ती ये नहीं होती ग्राहक के साथ कि ग्राहक 50 लगाए और हम 60 लगाए। कई दलाल ऐसे होते हैं, मैं हर नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, तो वो मतलब जैसे ना 50 लगा के सीधा 55-60 लगा देते हैं और आदमी से पूछते भी नहीं। हम तो ये बोलते थे 50 तो हम 45 लगाते थे, तो हजार बढ़ के सौदा जैसे हो जाता था वैसे हो जाता था। नमस्कार।
Thank you.